हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक सिविल सर्विस एग्जाम सीसीएसई में आपका स्वागत है। ये डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ कंटिन्यू। आज हम देख रहे हैं 6 जनवरी 2020 का करंट अफेयर्स। इसके अलावा इसके बाकी करंट पार्ट्स जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। डेली एडिटोरियल, हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की सीरीज़ भी कंटिन्यू चल रही है सीसीएसई के द्वारा। साथ ही साथ पॉलिटी के लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए गए हैं, जाकर उनको चैनल पर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहला जो है कंपेनियन लॉन्च किया गया था आपको एक स्टेट के द्वारा, साइबर सेफ वूमेन। ये किस स्टेट ने लॉन्च किया था और क्यों किया था, बेसिकली ये क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था और किसके लिए किया गया था, बेसिकली ये लॉन्च किया गया था टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्री वाई फूले। बेसिकली ये सोशल रिफॉर्मर्स ही, अगर आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इनका बहुत ही योगदान है वुमेंस की जो पोजीशन है उनको एम्पावर करने के लिए। और बेसिकली जो ये कंपेनियन है साइबर सेफ वुमेन, ये कंपेनियन लॉन्च किया गया था कि जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं अगेंस्ट वुमेंस एंड चिल्ड्रंस उनको रिड्यूस करने के लिए, ये कंपेनियन लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2020 जो है बेसिकली WHO ने कहा है कि वो किस रूप में बनाएगा 2020 को। वो क्या होता है WHO हर साल ईयर्स को क्या है एक बेसिकली थीम की उसमें लॉन्च करता है। तो बेसिकली इस बार का जो ईयर लॉन्च किया गया है, जो थीम है बेसिकली इस बार का, वो है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। सो बेसिकली नर्स एंड मिडवाइफ, मिडवाइफ का क्या मतलब होता है, मिडवाइफ का मतलब होता है बेसिकली जो आपके न्यू बॉर्न बेबी होती हैं, जब नर्स होती हैं, जो नर्स होती हैं वो उनकी बहुत जो देखभाल करती हैं उनको हम बेसिकली मिडवाइफ कहते हैं। और जो ये जो ईयर लॉन्च किया गया है, ये बेसिकली डिक्लेयर किया गया था आपका WHO द्वारा एंड 73rd सेशन में ये डिक्लेयर किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोषण अभियान फंड्स की एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, ये रिपोर्ट रिलीज हुई है पोषण अभियान फंड्स के ऊपर। उस रिपोर्ट की कुछ आप नॉर्म्स देख लें, जैसे कि उस रिपोर्ट में बताया गया बेसिकली आपका जो पोषण अभियान फंड्स में जो बेसिकली जो भी फंड दिया गया था स्टेट्स को, उसका सिर्फ 30% फंड जो है बेसिकली यूज़ किया गया है स्टेट्स के द्वारा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया है कि सिर्फ 4 या 5 स्टेट्स ने इस फंड का सही रूप से उपयोग किया है, मतलब पोषण अभियान के लिए फंड का यूज़ किया है, बाकी सारी स्टेट्सों ने इस फंड में यूज़ ही नहीं किया है इसके लिए जो पैसा उनको ग्रांट दिया गया था। उन स्टेट्स के नाम एक बार देख लेते हैं, उन स्टेट्स के नाम है मिजोरम, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश एंड बिहार। इनके अलावा बाकी सारे स्टेट्स ने पिछले 3 सालों में जो फंड पोषण अभियान के लिए दिया गया था उसका फंड का यूज़ नहीं किया है पोषण अभियान के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि जो मिजोरम है, मिजोरम ने सबसे अच्छी तरीके से इस फंड का यूज़ किया है। मिजोरम ने 65% फंड जो उनको मिला है उसका यूज़ किया है पोषण अभियान में। मिजोरम के बाद सेकंड पर लक्षद्वीप, थर्ड पर है बिहार। अगर हम बेस्ट परफॉर्मर की बात करते हैं तो बेस्ट परफॉर्मर में है पंजाब, जहाँ पर सिर्फ 0.14% ही फंड सॉरी 0.45% ही फंड का यूज़ किया गया है। सेकंड पर है कर्नाटका बेस्ट परफॉर्मर में, जहाँ पर 0.74% यूज़ किया है। और थर्ड पर है केरला, जहाँ पर आपका 8.75% फंड ही यूज किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन आपका क्या क्या बन सकता है, बेसिकली पोषण अभियान फंड है क्या आपका, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स टू द प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रंस। ओके, सो हाउ मच, कितना परसेंट, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कितने परसेंट फंड यूज हुआ है पोषण अभियान का पिछले 3 सालों में, इसका बेस्ट परफॉर्मर कौन है, इसका बेस्ट परफॉर्मर कौन है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ई गजट पोर्टल बेसिकली, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई गजट पोर्टल के ऊपर क्वेश्चन है, इंडिया का पहला ऑनलाइन इस टाइप का कोई प्लेटफॉर्म है, ये किस स्टेट ने लॉन्च किया गया है और क्यों किया है। ये बेसिकली आपका उड़ीसा ने लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स को जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिटीजन को अवेलेबल यहाँ पर करानी होगी। सो बेसिकली ये ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के लिए एक फर्दर स्टेप है, जो कि एक अच्छा स्टेप है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली अभी रिसेंटली अभी क्या हुआ है, मार्च इंडिया ने अनाउंस किया कि मार्च 2020 से क्या होगा, जो भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं नॉन एसेंशियल आइटम्स, बेसिकली जो भी इंपोर्ट करते हैं आइटम्स उनको क्या होगा, स्ट्रिक्टली उनको एक मैनेज किया जाएगा, स्ट्रिक्टली चेक की जाएगी उनकी क्वालिटी। तो वो सारी जो चाइना से इंपोर्ट प्रोडक्ट्स होंगे उनको स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में रखा जाएगा, जहां पर उनकी स्ट्रिक्टली बेसिकली सारी जो क्वालिटी है वो चेकअप की जाएगी। ऐसा क्यों किया है इंडिया ने, ऐसा इसलिए किया बेसिकली इंडिया का जो फिस्कल डिफिसिट है, इकोनॉमी वैसी ही गिरती जा रही है और जो फिस्कल डिफिसिट है वो भी यहां पर बढ़ता जा रहा है। तो उस चीज़ को कम, फिस्कल डिफिसिट को कम करने के लिए अब इंडिया को क्या करना होगा, या तो एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा या फिर इंपोर्ट घटाना होगा। तो इंडिया ने क्या किया है यहां पर, इंपोर्ट घटाने के लिए किया है, जो कि चाइना से नॉन एसेंशियल आइटम
आइटम्स आते हैं इंडिया में, जैसे कि टॉय, प्लास्टिक, स्पोर्ट आइटम्स, फर्नीचर, उनको कम करने के लिए इंडिया ने ये स्टेप लिया है। तो किस कंट्री से इंपोर्ट जो है बेसिकली स्ट्रिक्टर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में रखे गए हैं, वो है बेसिकली चाइना। अभी क्या हुआ है बेसिकली गुजरात के जो गवर्नर हैं वहाँ पर बेसिकली क्या है, वर्ल्ड सेकंड जो बेसिकली लार्जेस्ट स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, बेसिकली वो अनवील्ड किया गया है। कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा कि जो स्टैचू है वो आपका 50 फीट टॉल है बेसिकली। इसका जो वेट है वो 70,000 किलोग्राम है। 3.25 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर लगे हैं बनाने में। पर इसको मूर्ति को बेसिकली जो रूप दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो दिया गया है आकर राम वंजी सुतार के द्वारा। ये रूप दिया गया है जो कि खुद एक पद्म विभूषण अवार्डी हैं। ओके गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा वीडियो पसंद आता है तो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाई हरोबा जो आपका बेसिकली फेस्टिवल है ये किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपका त्रिपुरा में किया जाता है, अगरतला में इसके लिए पूरे इंतजाम किए जाते हैं। ओके, अगरतला बेसिकली आपका त्रिपुरा का कैपिटल है, वहाँ पर इसके पूरे इंतजाम किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा गुजरात में अभी 8,000 से 10,000 कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं टू सर्वे टू सेंसस, ओके टू मेक द सर्वे ऑफ विच एनिमल, सेंसस करने के लिए, किस एनिमल का सेंसस करने के लिए ये 8,000 से 10,000 वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कैमरे लगाए गए हैं गुजरात में। ये बेसिकली आपका एशियाटिक लायन के सर्वे करने के लिए उनका जो सेंसस है, पूरा सेंसस होता है, आपको पता होगा टाइगर का, एलिफेंट का, तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में टाइगर का और जो एलिफेंट का सेंसस है बेसिकली वो कितने साल बाद किया जाता है, हर कितने सालों में ये सेंसस किया जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अभी यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है। यूनिसेफ बेसिकली यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, बेसिकली यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है जहाँ पर बताया गया है, यूनिसेफ ने अनाउंस किया है यहाँ पर बेसिकली दैट मोर देन 1,70,000 ग्रेव वायलेशन ओके अगेंस्ट चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट वेयर वेरीफाइड, 1,70,000 से ज़्यादा जो खतरनाक वायलेशन किए गए हैं, मतलब कि जो कि एक नॉर्म्स हैं चिल्ड्रेंस के लिए, वो कॉन्फ्लिक्ट वो वेरीफाइड यहाँ पर किए गए हैं ओके इन पिछले 10 सालों में। सो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में अभी ये रिवील किया गया है कि 1,70,000 से ज़्यादा जो वायलेशंस हैं चिल्ड्रेंस के खिलाफ वेरीफाइड किए गए हैं, किस रिपोर्ट में अनाउंस किया गया है? ये आपका यूनिसेफ की जो ये रिपोर्ट है उसमें अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट के द्वारा अभी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड DPIIT के द्वारा अभी यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज़ किया गया था कि FDI जो इंडिया में है वो अगर फर्स्ट हाफ की बात करते हैं 2020 में, फिस्कल ईयर के 2020 की बात करते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट हाफ है बेसिकली उसमें देखा गया है कि FDI क्या है बेसिकली, FDI इंडिया में इंक्रीज़ हुआ है, 15% FDI इंडिया में इंक्रीज़ हुआ है जो कि 26 बिलियन तक पहुँच चुका है आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर में। ये चीज़ रिवील की गई है DPIIT के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल इंटरनल ट्रेड के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका आता है, स्वर्ण जयंती फेलोशिप अवार्ड जो बेसिकली दिया गया है 14 साइंटिस्ट को, तो यहाँ पर 14 साइंटिस्ट के नाम याद करना तो देखिए पॉसिबल है नहीं, तो इतना याद रखिएगा कि स्वर्ण जयंती फेलोशिप अवार्ड आपका साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाता है। किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया जाता है। किस साइंटिस्ट को दिया जाता है? बेसिकली साइंटिस्ट अंडर द एज ऑफ द 40 साल से कम साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया जाता है फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड ओके। तो 14 के 14 नाम कोई भी याद नहीं कर सकता है, ना ही पेपर में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल मेडिकल जो कमीशन है बेसिकली आपका, नेशनल मेडिकल कमीशन के जो फर्स्ट चेयरमैन है वो किसको अपॉइंट किया गया है? नेशनल मेडिकल कमीशन के जो फर्स्ट चेयरमैन है बेसिकली उनका नाम है सुरेश चंद्र शर्मा को अपॉइंट किया गया है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। अभी ESPN जो क्रिक इन्फोस ODI और T20 के जो मतलब पास्ट डिकेड में जो कैप्टन हैं बेसिकली सबसे अच्छे कैप्टन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, किसको चुना गया है, वो है हमारे महेंद्र सिंह धोनी। याद रखिएगा जो ESPN की जो ये उन्होंने पिक किया है वो बेसिकली T20 है बेसिकली आपको 2020 है और ODI के लिए, और टेस्ट के लिए किसको किया है? विराट कोहली को ओके।
सो टेस्ट के लिए हो गए विराट कोहली, और T20 और बेसिकली आपके ODI के लिए आपके कौन हो गए हैं, ये हो गए हैं आपके महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट यहाँ पर आप NIPQ पर देख सकते हैं। तो NIPQ पर जब आप देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, जो मेरे जो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस हैं उसमें आप 2nd या 3rd January में देखेंगे तो NIPQ पर पूरी डिटेल्स यहाँ पर वहाँ पर रिवील की गई है द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में। पर यहाँ पर भी मैंने सारे डेटा यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, देख लेते हैं। बेसिकली NIP क्या है आपका, NIP आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है। क्यों लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है बेसिकली क्योंकि आपकी इकोनॉमी क्या हो रही है, स्लो डाउन हो रही है, इकोनॉमी गिर रही है, तो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बेसिकली आपका, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगी। टोटल इसमें जो बजट दिया गया है वो कितना दिया गया है, 102 लाख करोड़ इसमें लॉन्च किए गए हैं, 102 लाख करोड़ रुपये यहाँ पर दिए गए हैं। ये बेसिकली आपका 2019-20 से लेकर 2024-25 तक आपका चलेगा, 5 साल का ये बेसिकली आपका प्रोग्राम है, जो आपका 5 ट्रिलियन बेसिकली 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी का जो एम था 2024-25 तक लॉन्च करना है। सो निर्मला सीतारमण बेसिकली फाइनेंस जो मिनिस्टर है हमारी, उनका ये बेसिकली जो उन्होंने बताया है कि जो हमारा एम है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर तक इकोनॉमी को लेके जाना 2024-25 तक, इससे फुलफिल होगा। ओके, यहाँ पर बेसिकली बताया गया इसके जो बेसिकली जो हेड है, जो कि ये इन्फॉर्मेशन कंपाइल्ड की गई है, जो कि टास्क फोर्स के जो हेड हैं वो हैं इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी चक्रवर्ती जो साहब हैं, वो बेसिकली इसके हेड हैं। ओके, इस टास्क फोर्स को हेड किया उन्होंने। इसमें बेसिकली बताया गया है कि कैसे, मतलब इस प्रोग्राम्स को जो भी फंड किया जाएगा, जैसे इसमें रोड, रेलवे, मेट्रो, हाईवे, ये सारी चीज़ें जो बेसिकली इसमें कवर अप की गई हैं, इसको बेसिकली जो फंड दिया जाएगा वो सेंटर के द्वारा दिया जाएगा 39%, स्टेट के द्वारा दिया जाएगा 39%, बाकी ये हो गया आपके 78%, प्राइवेट सेक्टर इसमें इंक्लूड करेगा आपका 22%। ओके, प्राइवेट सेक्टर इसमें इंक्लूड करेगा आपका 22%। आफ्टर दैट इसमें क्वेश्चन के रूप में क्या पूछा जा सकता है, इसमें क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है NIP प्रोग्राम्स के अंदर में, ये बेसिकली आपका रोड सेक्टर में किया गया है। ओके, रोड सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसे लगाए गए हैं, कितने पैसे लगाए गए हैं आपके, ये लगाए गए हैं 1,963,943 रुपीज़ यहाँ पर लगाए गए हैं। ओके, सो बेसिकली इसी को यहाँ पर बताया गया है कि बेसिकली उसका यहाँ पर एम क्या है, जो रोड सेक्टर है बेसिकली यहाँ पर हम देखें, सो उसको बेसिकली इंक्रीज करना है, जो टोटल लेंथ है उसको इंक्रीज करना है 1.99 लाख किलोमीटर्स को इंक्रीज करना है। ओके, यहाँ पर कितना इंक्रीज़ करना है 1.9, इतनी डिटेल्स में नहीं पूछा जाएगा प्री में, बस प्री में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा दिया गया है, वो दिया गया है आपको रोड सेक्टर को यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिया गया है। इसके बाद अगर आप रेलवे सेक्टर की बात करते हैं, सो ये कितना है 19.63 करोड़, याद रखिएगा रेलवे सेक्टर में दिया गया आपका 13.69 करोड़ आपका रेलवे सेक्टर को दिया गया है, जिसमें आपका रेलवे सेक्टर के रेलवे ट्रैक्स को बढ़ाना, ओके, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रेलवे में कवर अप की गई हैं। अगर आप इसका क्रिटिकली एनालिसिस देखना चाहते हैं तो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस जो है उसमें आप क्रिटिकली इसको एनालाइज भी किया गया है, वहाँ पर आप जाके इसको क्रिटिकली एनालिसिस देख सकते हैं। थैंक यू गाइज सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।